सारे सूबे के जो डिप्टी कमिश्नर है जिले के उन्होंने मंग पत्र लिखा जा रहा है, एक हल्ला बोल का नारा दिता जा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन के प्रबंध नहीं किए, बारदाने के प्रबंध नहीं किए, सीजन सिर पर आ गया, हुण किसान बेचारा रोल दिया मंडियां, मौसम खराब हो गया, सरकार फेल है, सरकार नाम कुछ नहीं। तो मैं कहना कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्हें अस्तीफा देना चाहिए, बर्बाद हो गया 4.5 साल खत्म हो गया। देखो सीधी अदायगी पंजाब की सरकार जिम्मेवार है, इन्होंने स्टैंड ही नहीं। मनप्रीत बादल केंद्र नाल कीती मीटिंग च मन के आए भी असी करा दें, पिछले साल खत्म करना चाहते 38,000 है पंजाब, जे एक आड़ती 10 भी मुलाजम काम करते 280,000 लोगों को पंजाब सरकार ने वेला कर देना। पंजाब सरकार विच ही आ जिहड़ी साजिश है। करोड़ा हजारा करोड़ रुपया इश्तहारबाजी से क्यों लाना पवे, जो वादा पूरा किया हो किसी दसन की लोड़ ही नहीं। ये जी इश्तहारबाजी पंजाब सरकार कर रही है, इस करके कर रही है कि लोगों ने जोड़ा ना गुस्सा है लोगों के मन च, जो इन्होंने कहा अभी घर घर नौकरी देवे, असी खंड पत्ती घ्यो देवे, सब चीज़ा पिछे रख दी। हूँ तो लुट खसुट चली है पंजाब, हूँ तो कांग्रेस ही लुट्टा खसुटा से आए है, हम तो भ्रष्टाचार का बोलबाला है। साढ़े नाल इस वेले श्रोमणी अकाली दल के जिहड़े सीनियर नेता पवन कुमार टीनू जी मौजूद, उन्हां नाल गल करते। अज जिहड़ा श्रोमणी अकाली दल वालों सारे सूबियां दे जिहड़े डिप्टी कमिश्नर रह गए जिलियां दे, उन्हां नूं मंग पत्र दिता जा रहा है, एक हल्ला बोल का नारा दिता जा रहा है, की कारण? देखो गल ये भी कणक की खरीद सब तो सौखी खरीद होंदी किसी सरकार लई, पर वो भी वो प्रबंध करने पैंदे आ, 4 महीने पहला ये प्रबंध मीटिंग्स करनिया पैंदियां आ, कोई बारदाना कित्थों आना आ, कदों पहुँचूगा, फिर लिफ्टिंग लई ट्रांसपोर्टेशन दे प्रबंध करने हुंदे आ, फिर पैसे का प्रबंध करना हुंदा जिहड़ा किसान नूं आपां पेमेंट देनी आ। वो सीसीएल लिमिट तो सरकार नूं पंजाब नूं पहले ही मिल गई, ट्रांसपोर्टेशन दे प्रबंध नहीं किए, बारदाने दे प्रबंध नहीं किए, सीजन सिर ते आ गया, हुण किसान बेचारा रुल गया मंडियां च, मौसम खराब हो गया, हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन तो किसान अपनी कणक दे राखी लई उत्थे मंडियां च बैठे आ, सरकार फेल आ, सरकार नां दी कोई चीज़ ही नहीं। सर तो मैं कहना कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं ना अस्तीफा देना चाहिए, अब बर्बाद हो गए 4.5 साल पंजाब दे खत्म हो गए, कुछ नहीं मिले इन्हां 4.5 साल। अदायगी नूं लैके की कहना चाहुंदे हो? पंजाब सरकार कहिंदी कि जिहड़े किसानां दे सीधी अदायगी नूं लैके पैसे उन्हां नूं भेजे जा रहे। देखो सीधी अदायगी च पंजाब दी सरकार जिम्मेवार आ, इन्हां ने स्टैंड ही नहीं लिया, और ये कैप अपने मनप्रीत बादल केंद्र नाल कीती मीटिंग च मन के आए भी असी करा दें, पिछले साल भी तो आड़ती खत्म करना चाहते, आड़ती 28,000 है पंजाब, जे एक आड़ती 10 भी मुलाजम काम करते 280,000 लोगों को पंजाब सरकार ने वेला कर देना। पंजाब सरकार विच ही आ जिहड़ी साजिश आ केंद्र दी, सो इस करके जिम्मेवार है पंजाब सरकार, सीधी आएगी, कोई आई नहीं लोगों को, पोर्टल की कोई जानकारी नहीं दी किसानों, इन्होंने आढ़तियों हले पैसे कही जाते दमगजे मारी जाते जी, इन्ने इन्ने करोड़ पाता किसानों आए नहीं पैसे, वो पैसे पता नहीं कितने राज तुरे फिरते, वो आशु दसे कितने। गल करिए जो वादे किए गए से, वह कहते जी असं तकरीबन पूरे कर दिए, थोड़े सामने ही हाँ, जे वादे पूरे किए होना वे वे वोट क्यों लाने पैण, इन्हों करोड़ा हजारा करोड़ रुपया इश्तहारबाजी से क्यों लाना पवे, जो वादा पूरा किया हो किसी दसन की लोड़ ही नहीं। ये जी इश्तहारबाजी पंजाब सरकार कर रही है, इस करके कर रही है कि लोगों ने जोड़ा ना गुस्सा है लोगों के मन च, जो इन्होंने कहा अभी घर घर नौकरी देवे, असी खंड पत्ती घ्यो देवे, सब चीज़ा पिछे रख दी। हूँ तो लुट खसुट चली है पंजाब, हूँ तो कांग्रेस ही लुट्टा खसुटा से आए है, हूँ तो भ्रष्टाचार का बोलबाला है। बिल्कुल, होर भी नेता साडे नाल मौजूद है, उन्होंने भी गलबात करते, की कहना चाहते तुसीं? अज सारे इकट्ठे होए हो, मंग पत्र दिते जा रहे ने हर एक जिले के, पर उन्हां दा कहना कि सारे इंतजाम मंडिया च पूरे कर लिते गए ने पंजाब सरकार। कांग्रेस पार्टी पंजाब दे विचों लगभग हर फ्रंट ते फेल हुई है, चाहे वह फार्मर का इशू होवे, चाहे उस कणक लिफ्टिंग का मामला होवे, कोई मंडिया दे विच बारदाना नहीं, उन्हां नूं प्रापर जिहड़ा माल चुकाई नहीं हो रही, प्रापर वो ढुआई नहीं हो रही, प्रापर उन्होंने ट्रांसपोर्ट करके
ਉਹਨੂੰ ਗਾਂ ਕਿਤੇ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫੀਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਉਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕਾਂ ਰੁਲ ਗਈ, ਉੱਤੋਂ ਮੌਸਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਏ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਹੈਗੇ ਆ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਿੱਤੇ, ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਚਾਹੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉੱਪਰੋਂ ਮੌਸਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਰੁਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਵੀਰ ਸੱਭਰਵਾਲ, ਫੈਕਟ ਨਿਊਜ਼, ਜਲੰਧਰ। ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਖਬਰ ਲਈ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦ ਫੈਕਟ ਨਿਊਜ਼।